नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 20 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत पावटा, जिला फरीदाबाद, स्थित है पाइनवुड इंटरनेशनल स्कूल। इसमें आपको दिखाएंगे रियलिटी चेक कार्यक्रम के दौरान कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं, जो शिक्षा विभाग के जो दिशा निर्देश हैं, हरियाणा सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, क्या उसी के तहत यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप देखते रहिए, लाइव जुड़े रहिए। ये ठीक है टेम्परेचर जी, मीडिया से आप देख रहे हो, ठीक है जी। आ जाइए, आप जुड़े रहें आप हमारे साथ, सीधे सीधे हम आपको क्लासेस में लेकर के चलेंगे। और यह कार्यक्रम स्कूल संचालक हैं, उनकी परमिशन से दिखाया गया है आप, क्योंकि जो भी रियलिटी चेक कार्यक्रम होते किसी भी स्कूल में, बिना परमिशन के हम नहीं करते, लेकिन पहुंचना अचानक होता बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए। हाँ, लेकिन जब स्कूल के अंदर हम एंट्री करेंगे तो पहले पूछ लिया जाता है कि क्या हम क्लास में विजिट कर सकते हैं या नहीं। ये आप जुड़े रहे हैं सर, कौन कौन सी क्लासेज हैं? अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे, चलिए ठीक है, जुड़े रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हमें चलना है। आप जुड़े रहे हैं पाइन रोड इंटरनेशनल स्कूल। बेटा कौन सी क्लास है? अच्छा, आप में से कौन बच्चा बताएगा कि घर पर ऑनलाइन पढ़ना ठीक है, स्कूल में ऑफलाइन? खड़े हो जाए बेटा, मास्क नीचे करिए। क्या नाम आपका? कनिष्क। क्लास सिक्स। स्कूल का नाम? पाइन रोड इंटरनेशनल स्कूल। सर घर पर पढ़ने में सर नेट प्रॉब्लम होती थी, कभी पापा ड्यूटी जाते थे, उधर फ़ोन की प्रॉब्लम होती, स्कूल में ब्लैक बोर्ड से ढंग से समझ आ जाता, आइस टू आइस। ठीक है बेटा, आप आ जाइए, बस आप बैठिए, बताइए। क्लास में पढ़ना अच्छी, मतलब कि वो होता है, अच्छी पढ़ाई होती है क्लास में, और घर पे पढ़ना ठीक नहीं है, घर पे पढ़ा नहीं जाता ढंग से, डिस्टर्ब होते हैं। चलिए ठीक है, बैठिए मैडम, आप बताएँ, आप आ जाइए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज आप लोगों ने दी होंगी, क्या समस्या आती है आप लोगों को? एक्चुअली हमारा स्कूल रूरल एरिया में है, तो जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नो डिवाइसेस, तो इंटरनेट ना होने की वजह से फैसिलिटीज़ नहीं है मोबाइल की, बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास एक एक मोबाइल है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे ऑनलाइन, तो कोई भी बच्चा जो है वो क्लास लेने में सक्षम नहीं था। क्या निगरानी की जा सकती है बच्चों पर ऑनलाइन? नहीं, नहीं की जा सकती है, क्योंकि हमने ये फेस भी किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आई हैं ऑनलाइन कोचिंग में। चलिए, और कोई बच्चा बताएगा? अच्छा बच्चों ये बताओ, स्कूल की तरफ से आप लोगों को परेशान तो नहीं किया जाता है, दबाव तो नहीं दिया जाता फीस की वजह से? और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रोजाना इसी तरीके से बैठते हैं आप लोग? एक बेंच पे एक बच्चे को बिठाया जाता है? ऐसा तो नहीं आप लोगों को हमारी वजह से बिठा दिया गया हो? चलिए ठीक है, धन्यवाद, बैठिए बेटा। और कौन सी क्लास है मैम, किधर है जी? ठीक है, आप जुड़े रहें हमारे साथ, लाइव प्रोग्राम है, सिर्फ दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि बच्चों से रूबरू करा सकें हम आपको, और जो भी बच्चे बताएं वो आपको देखना है, अभिभावक को तय करना है कि किस स्कूल में बच्चे को रखना है, क्योंकि सिर्फ हमारा मकसद ये है कि बच्चों से सीधे तौर पर रूबरू हम करा सकें। कौन सी क्लास बच्चों? अच्छा, आप में से कौन बच्चा बताएगा स्कूल में पढ़ना ठीक है या घर पर ऑनलाइन पढ़ना ठीक है? बताइए बेटा, मास्क नीचे करिए। सर स्कूल में पढ़ना अच्छा है जी, बताइए। स्कूल में पढ़ना अच्छा है। क्यों बेटा? क्योंकि घर पर अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो कभी नेट की प्रॉब्लम होती है, कभी पापा फोन लेकर चले जाते हैं। और बच्चा कौन बता, हाथ उठा, आ जाइए बेटा बाहर, आ जाइए, आ जाइए, चलिए मैं वहीं आता हूँ, वहीं आ जाता हूँ। बताइए नाम बताइए अपना। अर्पिता जी। सर घर पे कभी नेटवर्क इशू होता है, तो कभी फैमिली मेम्बर्स की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो बहुत सारे इशूज़ ऐसे होते हैं जिससे हमें डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पाते, और फिर स्कूल में हमें ब्लैक बोर्ड पर समझाया भी जाता है, और टीचर हमें अच्छे से हमारे डाउट्स भी क्लियर कर देते हैं। अच्छा बच्चों, रोज़ाना इसी तरीके से बैठते हैं आप लोग? ऐसा तो नहीं आप लोगों को हमारी वजह से बैठा दिया गया हो? पाइनवुड इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं, जो कि ग्राम पंचायत पावटा, जिला फरीदाबाद,
मैं आप खुद तय करें कि किस तरीके से बैठाया गया बच्चों, आप खुद देखिए लाइव प्रोग्राम में बच्चों से भी हमने पूछा कि किसी तरीके से स्कूल की तरफ से कोई दबाव तो नहीं दिया जाता फीस को लेकर, क्यों? ज़्यादातर अभिभावक का कहना है कि स्कूल वाले हमें परेशान करते हैं। मैडम आपसे कुछ बात कर लेते हैं, मास्क यूज कर लीजिए। क्या नाम आपका? इंद्रजीत। मैडम क्या समस्या आती है ऑनलाइन पढ़ाने में? ऑनलाइन में यही बेसिक इशू तो नेटवर्क का ही होता है और बच्चों से कम्युनिकेट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। अदरवाइज वी आर डूइंग वेरी वेल इन द यू नो कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स, राइट? तो वो वी आर डूइंग वेरी वेल, लाइक फिजिकली अट्रैक्शन, फिजिकली कम्युनिकेशन, बच्चों के डाउट्स क्लियर करना, तो वो हमें आई थिंक ये बेस्ट है। लाइव टेलीकास्ट जो बच्चों से होता है तो वो आपको भी पता है विच वन इज़ बेटर। जी, चलिए, ऑनलाइन क्लासेस की कुछ कमियाँ बताई हैं स्कूल टीचर्स ने, उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा पर निगरानी नहीं की जा सकती क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो किस तरीके से हम जांचें परखें कि बच्चा पढ़ भी रहा है नहीं, क्योंकि उसने फ़ोन ऑन कर दिया, डिवाइस ऑन कर दी और अपने क्लास ज्वाइन कर ली, लेकिन ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि वो क्लास ले भी रहा है या नहीं। बाकी तय सभी को करना है और ज़्यादातर स्कूल ने, ज़्यादातर हरियाणा सरकार ने स्कूल खोल दिए हैं सभी। अब स्कूल संचालक से आपकी बात कराएंगे सीधे तौर पर, आप हमारे साथ जुड़े रहें, लाइव प्रोग्राम है। आप जुड़े रहें सर, एक सेकंड सर, बातचीत करनी है आपसे। जी सर आ जाएं, एक और सर इधर आ जाएं, थोड़े से खड़े होकर लें, इधर है विजुअल के लिए सर, मास्क करा दीजिए। हाँ जी, एक तो सर बताएं कि स्कूल में आप किस तरीके से जुड़े हुए हैं? स्कूल में किस तरीके से जुड़े हुए? स्कूल में आपका स्कूल है क्या है? ये मैं यहाँ पर एज प्रिंसिपल जो है काम करता हूँ, पाइनवुड इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल। अच्छा सर, स्कूल चलाने में क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं? क्योंकि ज़्यादातर स्कूल एसोसिएशन जितनी भी हैं सारे स्कूल वाले इकट्ठे होकर कभी डीसी साहब को ज्ञापन देते हैं, कभी शिक्षा मंत्री को, कभी मुख्यमंत्री को कि भाई हमें ये समस्या आ रही है, क्या समस्याएं हैं? अब तो स्कूल भी खोल दिए गए सरकार की तरफ से। मैं समझता हूँ कि इस टाइम पर जैसे हमारी अपनी फरीदाबाद प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, कि जो मेन जो समस्या आ रही थी अब तक, एक तो फीस को लेकर आ रही थी कि, और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट ये था कि जो सरकार की ओर से समय समय पर सर्कुलर्स जो जारी होते थे वो सर्कुलर्स कई दफ़ा पेरेंट्स के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप कह लो, या उसको आप इस तरीके से कह लो कि वो थोड़ा सा जो सरकार कहना चाह रही थी उस बात को, या जो पेरेंट्स समझना चाह रहे थे वो क्लैरिटी नहीं आ रही थी। जैसे सरकार ने एक मार्च 2020 में एक सर्कुलर दिया कि फ़ीस नहीं ली जाएगी कोविड के दौरान, फिर आया कि भी डेफर की जाती है, फिर कुछ और ऑर्डर आए, जो बार बार सर्कुलर्स नए नए आए उसकी वजह से कहीं ना कहीं पेरेंट्स और स्कूल दोनों ही कहीं जो है समझ नहीं पाए कि चाह क्या रही है सरकार, क्लैरिटी नहीं थी सरकार के सर्कुलर्स को लेकर। अब आप लोगों के एसोसिएशन की क्या मांग है सरकार से? हमारी ये मांग है जो हाई कोर्ट के आदेश हैं उनकी जो है पालना करवाई जाए जी। बस, और इसके अलावा कोई अभिभावक से अपील करना चाहेंगे आप? अभिभावकों से एक ही अपील है कि स्कूलों के ऊपर बिल्कुल आप भरोसा बना के रखें सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, और जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस है, SOP है, उसका पालन करते हुए स्कूल बच्चों को पठन पाठन का काम कर रहे हैं विद्यालय के अंदर। अच्छा परमार जी, एक चीज़ और, रियलिटी चेक जो कार्यक्रम हमारा है ये आप बताने का काम करें, ज़्यादातर स्कूल संचालक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, DO मैडम भी देख रही होंगे और अन्य अभिभावकगण देख रहे होंगे, ये आपकी परमिशन से हुआ है? सबसे पहले तो आप ये बताएं क्यों ज़्यादातर स्कूल संचालक एक आरोप लगा देते हैं कि मीडिया जबरदस्ती स्कूल के अंदर घुस जाती है, ऐसा तो नहीं? नहीं देखो, रियलिटी चेक जो प्रोग्राम है ये ठीक है, होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। नहीं, ये सब आप सवाल ये कि आपके स्कूल में हम परमिशन से आए हैं विदाउट परमिशन, ये जो सवाल है ये सवाल अपने आप में ही जवाब है। नहीं सर, हम कैमरे पे सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि जिससे कि उन स्कूल वालों को ये सवाल अपने आप में ही जवाब है कि अगर मान लो हम लोग स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं और आप लोग इंटरव्यू ले रहे हो तो कहीं इसके अंदर जो है आपका काम है इस चीज़ को दिखाना? नहीं, मैं नहीं समझता इसमें कहीं भी कोई गलत बात है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने विस्तार से सुना, उन्होंने स्कूल एसोसिएशन की मांग रखी, वो प्रधान भी हैं स्कूल एसोसिएशन के और समय समय पर स्कूलों की तरफ से बात उठाते हैं, लेकिन इनके अंदर एक खूबी और है कि समय समय पर ये अभिभावक गण की भी बात सुना उठाने का कार्य करते हैं। क्यों? दोनों के बीच की आप कड़ी का काम कर रहे हैं।
लेकिन आज कहीं ना कहीं आज भी अभिभावक परेशान है स्कूल वालों से, क्यों? देखो देखिए दो बातें हैं सर, एक चीज़ और समझिए, मैं एक सवाल बीच में टोकूंगा, या तो अभिभावकगण समझ नहीं पा रहे हैं या स्कूल वाले समझा नहीं पा रहे हैं सारी बातें। स्कूल वालों को लगता है कि बच्चे किसी तरीके से आ जाएं, पेरेंट्स भी चाहता है कि मेरा बच्चा स्कूल चला जाए, लेकिन फ़ीस की वजह से नहीं। स्कूल वाले ज़्यादातर कर रहे हैं कि भाई आपका बच्चा आएगा तो फीस आएगी, मैं इसको समझाएं क्लियर से। देखिए जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं लगभग पिछले 8 साल या 5 साल, मैं समय को लेकर शायद बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ, जो पहले सरकार के अपने एडिड स्कूल्स भी होते थे जो प्राइवेट संस्थाएं चलाती थी, हरियाणा के अंदर एडिड स्कूल्स भी ख़त्म कर दिए हैं, केवल अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, कोई अब एडिड स्कूल नहीं है। जो एडिड स्कूल में वर्किंग टीचर्स थे वो सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में ट्रांसफर उनको कर दिया था। अब प्रदेश के अंदर दो तरह के स्कूल हैं, एक राज्य सरकार द्वारा संचालित, दूसरा प्राइवेट जो सोसाइटीज़ हैं वो रन कर रही हैं, उसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है। प्राइवेट जो स्कूल्स ऑर्गेनाइज होते हैं या जो रन होते हैं इंस्टीट्यूशंस, वो रन होते हैं बच्चों की फीस से जी। उसके अलावा कोई और सोर्स जो है सोसाइटी के पास नहीं होता अपनी संस्था का स्कूल चलाने के लिए, सरकार के पास बहुत लंबे चौड़े सोर्सेज होते हैं। तो पेरेंट्स को लेकर जो आपने सवाल किया, पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच में कहीं ना कहीं अभी गैप है, वो सिर्फ एक फीस को लेकर है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। पेरेंट्स का भरोसा है प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर, और स्कूलों का और पेरेंट्स के बीच में 10 साल 12 साल 15 साल 8-8 साल, अब मुझे आज यहाँ 20 साल हो गए स्कूल चलाते हुए जी। और जो बच्चे मेरे पास पढ़ कर गए थे उनके बच्चे भी आ रहे हैं। अगर भी विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, तो ये संभव नहीं थी बात। मैं फरीदाबाद में ऐसे तमाम स्कूल वालों को जानता हूँ जिनके बच्चे पढ़ कर गए हैं, अब उनके बच्चे आ गए और आगे बच्चों के बच्चे भी आ गए। अच्छा सर, एक सवाल मैं सीधे तौर पर कर लेता हूँ, आप तो शायद एग्री नहीं होंगे क्योंकि आप स्कूल एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। कई स्कूल मनमानी करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, इवन अब तो थर्ड फर्स्ट क्लास से शायद खोल दिए स्कूल, फर्स्ट से छोड़े उसके नीचे भी UKG नर्सरी प्ले स्कूल खोल रखे हैं, उस पर आप लोग, आप प्रधान हो स्कूल एसोसिएशन के, आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करवाते हैं? देखो अगर मीडिया पहुंच जाए तो आप लोग फिर कह देते हो यार ऐसे परेशान मत करो। आपको देखो, मैं जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो स्कूल हैं, सरकारी जो ऑर्डर आते हैं पहली क्लास से जी। क्योंकि सरकार के, प्रदेश सरकार के स्कूल चलते हैं पहली क्लास से, ठीक है। नीचे की क्लासेस के बारे में शायद कभी शिक्षा विभाग से कभी कोई ऑर्डर आया ही नहीं है, एक बात। अब ये है 2-4-10 दिन की, 15 दिन की बात और है, अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद हम ये करते हैं कि अभी आगे आने वाला समय बहुत अच्छा जाएगा, और सभी स्कूलों से, संचालकों से मेरी एक ही अपील ये है कि आप लोग जो SOP का है, सरकार का दिशा निर्देश है, उसका पालन करें। उसमें आपका भी बचाव है, बच्चों का भी बचाव है, बच्चों की सेफ्टी, बच्चों की सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना विस्तार से, सर ने बचाव किया है स्कूलों का, कहकर मैं सीधे तौर पर कहा आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करवाते जो स्कूल वाले मानते नहीं हैं, तो सर ने बचाव भी किया। और इनका सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि अभिभावक की सुनते हैं, अभिभावकों की मंच से आवाज़ उठाते हैं, उनकी भी आवाज़ उठाते हैं, तो ये अच्छी बात है। बाकी फैसला आप सभी को करना है कि किस तरीके से देखना अपना बातों को, नज़रिया को। दूसरा, अगर कोई भी स्कूल मनमानी करता हो तो आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं, संबंधित अधिकारी तक, संबंधित जो प्रधान है एसोसिएशन स्कूल से, उन तक हम आपकी बात को पहुँचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। नहीं तो दिखा दो, वो नहीं दिखा दो, कर दो।